वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का जो मेरा हॉल है वो मीशो हॉल होने वाला है, जिसमें मैं मीशो के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपको इस चैनल पे मेकअप एंड फैशन से रिलेटेड एंड और एक चीज और, मैंने ज़ारा से बहुत 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 सारी शॉपिंग करी हुई है। तो अगर मेरे इस वीडियो पे 1000 लाइक आते हैं, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं मांग रही, 1000 ही मांग रही हूँ, अगर इस वीडियो पे मेरे 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ज़ारा के दो हॉल्स आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो मैंने इतनी अच्छी ज़ारा की शॉपिंग करी है और आई थिंक वो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैंने नॉर्मल रेंज एंड मैंने हाई रेंज, मैंने दोनों खरीद रखी है। बट अगर आप मेरे इस वीडियो पे 1000 लाइक लेके आते हो तो डेफिनेटली समय ज़ारा का पहला हॉल डाल दूंगी। और ट्रस्ट मी यार, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ज़ारा से पिक करी है, मैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब ज़्यादा बकबक ना करते और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं जो मीशो के कपड़े लेके आई हूँ वो मैं सस्ते भी लेके आई हूँ, महंगे भी लेके आई हूँ, पर वर्थ इट लेके आई हूँ कि जो आप यूज़ करो, सस्ते भी हैं पर वो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट टॉप होने वाला है वो आजकल ये मीशो में बहुत 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 ज़्यादा चल रहा है, आप देख सकते हो। इसका जो मटीरियल है ये जॉर्जेट बेस्ड है, ये जो मटेरियल है ये जॉर्जेट बेस्ड है और ये आगे आपको क्रोशिए का वर्क मिल जाता है। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, मटेरियल वाइज बहुत अच्छा है। और इसका प्राइस आई थिंक मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं, आई थिंक 350 या 400 के बीच का होगा, जो भी है मेंशन हो जाएगा। सो ये बहुत 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 ब्यूटीफुल है। ये जो सेकेंड वन है वो मेरे पास ये ब्लैक टॉप है। इसका जो मटेरियल है मैं बोलूँगी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाँ ठीक है अच्छा है, 350 रुपये में आपको और क्या ही मिलेगा। प्राइस वाइज मुझे ये लगता है बहुत वर्थ इट है। और जो इसकी स्लीव्स हैं वो भी काफ़ी क्लासी सा लुक देती हैं और ये नेट की हैं तो ये पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लुक भी इसका बहुत अच्छा आता है। और 350 आई थिंक वर्थ इट है, सो मुझे तो अच्छा लगता है, सो आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा, देख सकते हो आप। थर्ड पीस है मेरे पास, वो मैंने एक कॉर्ड सेट मंगाया था। ये कॉटन का कॉर्ड सेट है, जिसकी मैं मटेरियल की बात करूं तो ये मुझे एक बोल सकते हैं उसको, एक खादी मटेरियल टाइप का होता है, खादी कॉटन टाइप का होता है, वैसा मटेरियल है। पर हाँ बहुत कंफर्टेबल है, आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत कंफर्टेबल है ये। एंड इसके साथ नीचे मुझे एक प्लाजो टाइप का मिल जाता है और काफ़ी लूज है, कंफर्टेबल है और कॉटन मटेरियल है। तो आई थिंक इसका प्राइस मेरे ख्याल से 500 के अंदर था। तो आपको 500 में ये इतना स्टाइलिश कॉर्ड सेट मिलेगा तो आई थिंक ये वर्थ इट है और आपको लेना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसको, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार पहना है और मुझे सब ने बोला है कि ये मैंने कहाँ से लिया है और सबने मेरी बहुत तारीफ की है, पिक्चर्स भी बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी कि इसको आपको लेना ही चाहिए। ओके, थर्ड मेरे पास, मैंने मीशो से टी शर्ट्स मंगाए थे, मैंने जो मुझे लगा कि देखती हूँ, मैं सस्ता मंगा के देखती हूँ कि सस्ते प्राइस के पता नहीं अच्छे होते हैं कैसे है। तो मैंने 3 टी शर्ट्स मंगाए थे। तो फर्स्ट तो ये है, इट्स अ क्वीन टाइप ऑफ टी शर्ट और इसका फैब्रिक आई थिंक रियोन बोल सकते हैं, रियोन का फैब्रिक है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। इसको मैंने आई थिंक 1 या 2 बार पहना है और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, लेता है थोड़ा फंकी सा भी लगता है, आई थिंक ये बहुत फंकी लगता है कलर इसका, ये कलर मेरे पास नहीं था और स्पेशली मुझे ये कलर चाहिए था तो इसलिए मैंने टी शर्ट मंगा के देखा। इसका प्राइस आई थिंक मुझे लगता है 180 या 200 के बीच में ही है, पर ये मैं सच बताऊँ ये बहुत अच्छा, हाँ हल्का बहुत देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट है पर आप अंदर इसके कुछ पहन लेते हो तो इतना नहीं दिखता, तो आप उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बट यार ये बहुत 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 अच्छा है।
फिर मेरे पास एक ये टी शर्ट आती है, बहुत क्यूट सी। इसका जो मटेरियल है ये मैं बोल सकती हूँ आई थिंक थोड़ा होजरी टाइप का मटेरियल है, जो बेसिकली बहुत सारे टॉप्स में आता है। ये क्रॉप टॉप है तो आपको बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बहुत क्यूट लगा, आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्यूट सा है और पहनने पे सीरियसली बहुत ज्यादा क्यूट सी फीलिंग आ रही थी, और मटेरियल भी बहुत अच्छा है। तो या यू कैन गो फॉर इट, आप जा सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा है। आई थिंक इसका प्राइस मुझे लगता है कि ये 200 के अंदर ही है, और 200 में इतना अच्छा क्रॉप टॉप मिलना ये बहुत अच्छी, ये बहुत बड़ी बात है। तो मीशो में ये बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसको भी रिकमेंड करूंगी, आप ले सकते हो। मेरे पास फिर से एक क्रॉप टॉप है, ये पिंक कलर का क्रॉप टॉप है, और ये भी बहुत ही अच्छा है मटेरियल वाइज। मैं आपको सच में मैं बोल रही हूँ, ये जो क्रॉप टॉप्स मैंने जो ये 200 के रेंज के मंगाए हैं ये बहुत ही अच्छा है, और मटेरियल भी आई थिंक होजरी ये टाइप का ही मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जा सकते हो इस टॉप के साथ भी, और ये भी बहुत क्यूट है, इसमें भी बटरफ्लाईज बनी हुई है, क्यूट सा है। तो अभी तक मैंने इसको नहीं पहना किसी भी जगह, बट हाँ मैं वैसे मुझे ये बहुत 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 पसंद है। फिर से मेरे पास एक और क्रॉप टॉप आ जाता है, ये आई थिंक आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, काफी लोगों ने इसको पहना है और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसका जो मटेरियल है अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर उन टॉप्स की तरह का मटेरियल नहीं है, सॉफ्ट हल्का सा मतलब थोड़ा सा ऐसा इरिटेटिंग मटेरियल है, बट आई थिंक 180-170 का मुझे ये मिला था, और इसका लुक पहनने पे इसका लुक बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लासी आ रहा था, और इतना ज़्यादा कोई मतलब ऐसा छोटा टॉप नहीं है, तो आप इजीली इसको जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यार ये मुझे तो शानदार ही लगा था, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा था, और ऐसा कुछ इरिटेट भी नहीं करेगा, मतलब ऐसा इसका मटेरियल एक ऐसा है उस वाले मटेरियल, उस वाले टॉप के मटेरियल से तो या थोड़ा डिफरेंट है, बट ठीक है, मतलब 180-170 में आपको और क्या ही चाहिए। तो या अच्छा ये मैंने मीशो से जो अभी रिसेंटली शॉपिंग करी थी ये वो टॉप्स हैं, बाकी और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें मैंने मंगवा रखी हैं, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। और आज का मेरा वीडियो बस इतना ही, और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे इस चैनल पे वीडियोस लेके आती रहूंगी। सो बाय बाय, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे।